जय श्री राम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अब से हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, जय श्री राम ही बोलना है। और आप लोग भी कमेंट करेंगे तो कमेंट में जय श्री राम ही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा फ्रेंड्स। तो आज के दिन देखिए मेरे घर में बन रही है दाल चावल और पालक दाल चावल और सब्जी बनेगी, मिक्स वाली सब्जी। और मम्मी काट रही थी सब्जी, मैं तब तक यहाँ पे चढ़ा दी चाय। और सुबह सुबह ही फ्रेंड्स आज के दिन ना पूजा हो गई थी हमारे घर में, सबका नहाना हो गया था और पूजा भी हो गया था। और यहाँ पे देख लीजिए कि मम्मी नीचे से सब्जी लेके आई थी, तो ये पका हुआ पपीता है फ्रेंड्स, जो कि गाछ का ही पका हुआ है। तो ये रख दिया गया है ताकि 2 दिन में और अच्छे से पक जाएगा, तब हम लोग इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी सरसों पालक साग लेके आई है, मेरे घर में साग सबको बहुत पसंद है फ्रेंड्स, इसलिए साग आते रहता है। और देख लीजिए आज का वेदर अच्छा ही है, धूप निकला हुआ है। तो आज का दिन कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को पूरा एंजॉय करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं चावल रख दी हूँ, पानी रख दी हूँ चावल को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पालक कट करके रखी हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना दाल बना ली थी और मम्मी उस टाइम पालक कट कर रही थी, तब तक मेरी दाल बन गई थी। तो इसीलिए मैं दाल बनाने के बाद फिर मैं दाल को फ्राई की पालक डाल के। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि चाय, अभी ठंड है ना फ्रेंड्स, तो चाय कम से कम 3-4 बार ही हो जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है चाय का। तो जब मन करता है, जब इच्छा होती है, और अभी ठंड में ना इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही है चाय कॉफ़ी पीने की कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे जब मौका मिलता है ना फट से बस चाय ही चढ़ा देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सास बहू के लिए 2 कप चाय रेडी है, तो हम चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, चावल भी मेरी बन रही है, सब्जी भी मैंने छौंक दिया है, ये मिक्स सब्जी है, बैगन है इसमें, बैगन सेम टमाटर आलू सब मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो इसमें फ्रेंड्स मैं ना पालक नहीं ऐड की हूँ, बस बैगन है सेम है आलू है, फिर टमाटर बाद में डालूंगी और कुछ मसाले डाल के मैं फ्राई करूंगी। तो आज का दिन फ्रेंड्स इतना अच्छा और इतना मतलब कि अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि कैसे हम सेलिब्रेट करें कि भगवान राम फिर से आ गए हैं हमारे इस धरती पर, उनको अपना नया घर मिल गया है। तो ये देख के फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, ये खुशी हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, जो भी भारतीय हैं और भी और जो नहीं भी हैं सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स कि भगवान राम हम लोग के साथ है। वो हमेशा से ही हम लोग के साथ ही रहे हैं, कहीं गए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नया घर बन गया है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स हम लोग को। मतलब हम लोग को खुद भी जाने के लिए एक जगह हो गया है कि नहीं, अब तो मतलब जाना ही है। तो देखते हैं अयोध्या जाना कब होता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना ले रही हूँ सब्जी, सब्जी भी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना कि बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। तो यहाँ पर मैं दाल मेरी बन गई थी, आप लोग देख ही लिए हैं, मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी और चाय हमने पी लिया है। और आज शाम को मैं बनाऊंगी खीर। तो खीर मैं चावल जो था अक्षत का जो चावल मिला था ना फ्रेंड्स, तो मैं वो चावल जो पूजा रूम में अक्षत हम रखते हैं ना, जब पूजा करते हैं तो हम लोटा में डालते हैं अक्षत को, तो मैं उस अक्षत वाले डब्बा में वो जो अक्षत मिला था अयोध्या से जो आया था, सब जगह जो बट रहा था, वो अक्षत मैं थोड़ा सा लेके उस डब्बे में मैं मिक्स कर दी, थोड़ा सा मैंने अपनी तिजोरी में रख दिया है और थोड़ा सा अक्षत लेके मैंने उसकी खीर बना के सबको खिला दी फ्रेंड्स। तो ऐसा ही करना था, मैंने तो सुना था और जैसे जिसको जो समझ में आया है वो वैसे किए हैं। तो अगर कुछ भी गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि जाने में अगर कुछ भी गलती हो गई हो। तो मैंने तो खीर बनाया फ्रेंड्स अक्षत, थोड़ा सा अक्षत, और मैं अक्षत वाला जो चावल था ना फ्रेंड्स उसको मैं धोई नहीं, वॉश नहीं की, मैं जब खीर बना रही थी ना तो उसी में मैं चावल को वैसे ही जैसे मिला था ना चावल, मैं वैसे ही उसमें ऐड कर दी मैंने अक्षत, क्योंकि पूजा का कोई भी चीज़ होता है फ्रेंड्स, जैसे हम भगवान को जैसे हम चढ़ाते हैं चावल अक्षत चढ़ाते हैं तो हम उसको वॉश नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो यही सोच के यही समझ के मैंने भी वॉश नहीं किया था, मैं ऐसे ही अक्षत लेके मैं खीर में मिला दी, जय श्री राम। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि खुशी ले ली है फ़ोन, खुशी नहीं इशाना ले ली है, अब वो बोले कि मम्मी मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो देख लीजिए वो अपना दिमाग लगा रही है। और यहाँ पे देख लीजिए कि शाम को हम लोग रंगोली बनाने के लिए बैठ गए थे, तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि सामने
को बना रहे हैं पीकॉक, और मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे झटपट झटपट बनाना था, खुशी बनाने नहीं देती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेरी रंगोली बनके तैयार है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरी रंगोली कैसी बनी है। मैं ऐसे सिंपल ही बना दी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो खुशी ले लेती है कलर्स और बोलती है कि हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर पूजा करना था घर में, फिर तैयार होके नीचे भी जाना था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं हो गई हूँ तैयार और घर में मैंने पूजा कर लिया है। दिया बत्ती मैं सब जला दी थी, अब एक दिया लेके मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ कि सब लोग दिया रख रहे थे। तो सबके घर से एक एक दिया नीचे गया था, तो इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा था। और कल का जो सेलिब्रेशन हुआ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और फ्रेंड्स हम लोग सोच लीजिए कि कितने ज़्यादा लकी है कि हम लोग साल में एक नहीं, हम लोग साल में अब दो दो दिवाली मनाएंगे। तो एक दिवाली हमारे लिए कम थी, तो इसीलिए हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम दो दो बार दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे कि और ही खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि रंगोली पर भी मैंने दिए रख दिए हैं। अब यहाँ सामने जो आंटी हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग से क्या बताऊँ, आंटी जी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आंटी बोली कि आरती हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है आंटी अब चलिए। तो अभी हम लोग लिफ्ट से उतर रहे हैं नीचे और जा रहे हैं वहाँ दिया रखने के लिए नीचे। तो यहाँ पे खुशी ले ली थी कैमरा, बोली कि मम्मी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दिया लेके। तो आप लोग वीडियो पूरा इन्जॉय करिए फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट में फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम ही लिखना है फ्रेंड्स, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम। बस आपसे बस यही बोलना है फ्रेंड्स, जय श्री राम, और कुछ भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग ये सब कुछ मेरे व्लॉग में आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे व्लॉग की शुरुआत ही होगी जय श्री राम से। तो अब से यही मोटिव रहेगा मेरा कि मैं जय श्री राम बोल के ही मैं अपना व्लॉग शुरू करूं। और यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग नीचे आ गए हैं मेरे कैंपस में। तो मेरा कैंपस जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं एक दिन पूरी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करके आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि मेरा कैंपस कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे दिए रख दिए हैं। तो आंटी जी फूल भी लेके आई थी, तो आंटी जी चढ़ा रही हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स कि क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने जो साड़ी पहनी थी ना फ्रेंड्स, तो इतने सारे दिए जल रहे थे और मेरा जो साड़ी है ना वो ऐसे फैल जा रहा था, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं लगे नहीं दिया में। तो मैं संभल संभल के ही चल रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चे यहाँ खुशी आगे आगे चल रही है। अब वो बोली थी कि मुझे लहंगा ही पहनना है, तो वो लहंगा पहन के घूम रही है। और यहाँ पे ईशाना अपना रिकॉर्डिंग कर रही है। तो हम लोग सोचे कि चलो अब नीचे आए हैं तो अच्छे से थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पार्किंग एरिया है जहाँ की सबकी कार लगी हुई रहती है। तो यहाँ अभी खुशी अपना फ़ोटोशूट करवा रही है, यहाँ ईशाना है, ईशाना के फ्रेंड्स भी थे नीचे। और देख लीजिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, दिया ऐसे जल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी फ्रेंड्स कल का दिवाली सेलिब्रेट करने में, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत सारे लोग अभी ये इस मतलब ये कैंपस इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, बहुत दो तीन पार्क हैं यहाँ पर। तो एक ये पार्क अभी नया बना है जो कि अभी डेवलप हो रहा है। सामने भी जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ब्लू लाइट है, ये भी बिल्डिंग अभी नई बनी है, ये पहले नहीं थी। और ये सब बिल्डिंग पुरानी है, पहले से बनी हुई थी। तो एक दिन मैं अच्छे से आप लोग को पूरा रिकॉर्ड करके अपने कैंपस का वीडियो आप लोग को भेजूंगी। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आई थी ना, तो मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी और ना ही मैंने स्लीपर्स पहने थे, मैं खाली पैर ही आई थी यहाँ दिया रखने के लिए। तो अब मैं चली गई, ईशाना नीचे फ़ोन लेके रिकॉर्ड कर रही थी और मैं चली गई थी ऊपर अपना जैकेट लाने के लिए और स्लीपर पहनने के लिए, क्योंकि हमें फिर उस वाले पार्क में भी जाना था, उस तरफ भी जाना था। तो इसीलिए खाली पैर उतना दूर, ठंड का टाइम है फ्रेंड्स तो पॉसिबल नहीं था। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि क्या ही बोले, रिकॉर्डिंग करने के टाइम में भी ना लग रहा है कि आवाज़ कपकपा रही है।
तो ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान बोल रहे हैं कि नहीं अभी और ठंडी में रहो, बहुत एसी चलाते हो दोनों, अभी और ठंडी में रहो। तो वही हाल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबके घर के सामने दिए जल रहे हैं, सबके घर के सामने सजे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से अपना दिवाली सेलिब्रेट किए होंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, और सिर्फ जय श्री राम ही लिखना है कमेंट में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस वाले पार्क में बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए कि दिया बहुत अच्छे से दिया जलाया गया है और रंगोली भी यहाँ पे बनाई गई है, तो सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जय श्री राम लिखा हुआ है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग बूंदी ले लिए और सेव बूंदी यहाँ पे मिल रही थी फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करा लिए हैं अपना, सब लोग फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। और आप लोग डेकोरेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चारों तरफ पूरा डेकोरेशन अच्छे से किया गया है, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और दिए से इतना पूरा जगमगा गया है ये पार्क। और बहुत लोग अपने घर पे भी बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह सब लगाए हैं, तो मेरे हस्बैंड तो है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसलिए लाइटिंग का थोड़ा सा इशू था, नहीं तो हस्बैंड यहाँ पे रहते तो वो लाइटिंग वगैरह तो ज़रूर ही लगाते, और मैं लगा सकती थी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे और भी काम थे फ्रेंड्स, तो मैं नहीं लाइटिंग कुछ लगा पाई। और यहाँ मेरी भाभी हैं जो कि मेरी फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चे अनार छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बम पटाखे फूट रहे थे फ्रेंड्स, इतना ऐसा लग रहा था ना कि कान फट जाएगा, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी। तो बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको फिर से बम फोड़ने का मौका मिल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग भी कितने खुश हैं सच में फ्रेंड्स, कल तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग मतलब खुशी का माहौल था, बहुत खुश थे सब लोग, छोटे बड़े सारे बच्चे, सब लोग के मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। तो मैंने बनाई थी खीर, उसके बाद फ्रेंड्स जब यहाँ पे सब कुछ हो गया ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद ना पापड़ी वाले भैया आए थे, तो अब तो मन हो गया कि नहीं पापड़ी तो खाना ही है, तो उसके बाद ना फिर हम लोग पापड़ी लेके आए, फिर पापड़ी खाएं तो उसी से ही ना पेट भर के फ्रेंड्स, फिर घर में आए तो खीर खाएं, तो ये सब खाते पीते ही पेट इतना फुल हो गया ना कि और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तो यहाँ पे देख लीजिए कि खुशी भी कितना एंजॉय कर रही है, वो जैकेट अपना खोल दी है, और यहाँ पे चक्रील है, अनार है, बहुत ही तरह तरह के बम फोड़े जा रहे थे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया मुझसे आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा, जय श्री राम लिख देंगे तो ही मैं समझ जाऊंगी कि नहीं आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से अपना सेलिब्रेशन किया है। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि बच्चों के जिद पे हम लोग आए हैं रात में पार्क में झूला झूलने के लिए, तो इस पार्क में झूला भी है फ्रेंड्स और स्लाइड भी है बच्चों के लिए, तो हम लोग भी कभी कभी बड़े लोग भी झूल लेते हैं क्योंकि हम लोग भी बच्चे से कम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों की ज़िद पे ही हम लोग आए थोड़ा सा झूला झूलने के लिए, बस अपना इन्जॉयमेंट कर रहे थे और उसके बाद फिर चले गए घर। और यहाँ पे देख लीजिए कि ईशाना का कैटवॉक चल रहा है, वो भी सीढ़ी पे तो ये अपनी दीदी के साथ कैटवॉक कर रही है। तो बच्चे को देखने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।